अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राजा तारनीम आज़रबैजान बाकू से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गोल्डन टूरिज्म बाकू, जी हाँ, ये मेरी कंपनी है, यहाँ टूर का काम करती है। और आज एक नया प्रोजेक्ट, गोल्डन रॉयल बाकू होस्टल, जी हाँ, बाकू में बनाया है। ये उसका सीटिंग एरिया है, मैं आपको पूरा होस्टल दिखाऊंगा, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा कि एक एक चीज आप देखेगा। ये पूरे 4 स्टार होटल जैसा जो है ना, वो यहाँ पर ये होस्टल बनाया है। इसके साथ जो है वो स्टूडियो अपार्टमेंट है, प्राइवेट रूम्स है, बंकर है, ड्रोन रूम्स है, सब कुछ इसमें फैसिलिटीज है। खाना खुद बना सकते हैं, खुद सर्व कर सकते हैं, और तमाम सहूलियात इसके साथ, कबाब बनाए, जो करना है आपको, तमाम आजादी के साथ यहां रहने के लिए तमाम सहूलत मौजूद है। आइए देखते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। नाज़रीन, इसके मौजूद हूँ गोल्डन रॉयल बाकू होस्टल के किचन में। मैं आपको ये बताता चलूँ, इंतहाई जदीद किचन बनाया गया है। इस पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप ये देख रहे हैं, डिजिटल चूल्हा, इलेक्ट्रिक, इसमें कोई, इसके साथ ये ओवन है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक चाय बनाने के लिए, कावा बनाने के लिए, पानी के लिए, और इसके अलावा ये ओवन है। अगर मैं आपको ये बताता चलूँ, इसमें तकरीबन आप ये देख रहे हैं, तमाम बर्तन, हर चीज हमने इस पर रखी है। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये जो है ना वॉशिंग मशीन है, जो अगर किसी ने कपड़े धोने अपने, सारा कुछ ऑटोमेटिक है, हर चीज यहाँ पर। और आप अगर इधर आए तो इसमें सारे बर्तन पड़े हुए, हर किस्म के बर्तन। और बर्तन का मियार अगर आपने देखे हैं तो ये देख सकते हैं, ये बर्तन का मियार है। और इसके अलावा ये भी आप देख रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि इस पूरे सिस्टम को मियारी दिया है। 2 फ्रिज हमने इसमें रखी है। इसके अलावा ये आपको बताता चले, इसके अंदर भी आप देखें, जग, डिश, एवरीथिंग। इसके अलावा ये सीटिंग हमने ज्यादा रखी है यहाँ पर। इसके अलावा बादशाह में भी सीटिंग ऑलरेडी मौजूद है, तकरीबन 8-10 बंदों की, यहाँ भी और यहाँ भी। ये सारी सीटिंग हमने रखी है ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं यहाँ रहकर आराम के साथ जो है ना, यहाँ अपना जो भी टाइम है उसको स्पेंड कर सके और इंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरी वीडियो। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हूँ गोल्डन रॉयल बाकू होस्टल के डॉर्मेट्री रूम में। जी हाँ, आप देख रहे हैं, ये सेफ है। यहाँ पे हर बंदे को एक सेफ लॉकर दिया जाएगा जिसमें वो अपने सारी चीज़ें रख सकता है, लॉक कर सकता है। इसके अलावा ये देख रहे हैं,
हमने इसको ऐसे तरीके के साथ एडजस्ट कर दिया है कि कोई भी जो भी क्लाइंट है वो अपनी प्राइवेसी के लिए इसको बंद कर सकता है, बंद करके आराम से सो जाए। अगर लाइट ऑन भी हो तो उसको डिस्टर्ब ना हो, अगर वो लैपटॉप यूज कर रहा है, सारा कुछ यूज कर रहा है तो उसको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हर बेड के साथ हमने सॉकेट दे दी है टेलीफोन की, और इसके अलावा इसके अंदर लाइट्स की एवरी सारा कुछ हमने इसके अंदर दे दिया है ताकि कोई भी किसी किस्म का उसको परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये नीचे आप देखें, ये नीचे देखें वो सॉकेट लगा हुआ है, और उसकी लाइट अगर वो स्टडी करना चाहता है, अकेला कुछ पढ़ना चाहता है सारा कुछ, तो हमने इसको हर चीज को मद्देनजर रख कर जदीद किस्म का ये हॉस्टल तैयार किया है। और कोशिश यही किया कि हम लोग जो ना ऐसी सर्विस दे सकें कि जिससे आने वाले जो भी हमारे क्लाइंट हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इससे लुत्फानंदोज हो सके। इसके अलावा हमने जो है ना वो पुराना सिस्टम वो सीढ़ी खत्म करके हमने बहुत अच्छी सीढ़ी बनाई है। इसके अलावा इसके अंदर कोई अगर अपने जूते रखना चाहता है, कोई भी चीज़ रखना चाहता है, तो वो इस शेल्फ के अंदर वो रख सकता है। आप ये देख सकते हैं इसी तरह की हमने ये सारी शेल्फ बनाई हुई है ताकि कोई भी यहाँ पे सहूलत के साथ रह सके। इसके अलावा इसी तरह ये तकरीबन तीन ऐसे रूम है, तीन रूम है जिसमें तकरीबन तीन बंकर है, यानी कि छः क्लाइंट हमारे रह सकते हैं आराम के साथ। और मैं आपको इसमें हमने कोशिश किया कि एक फीमेल और दो जो है ना वो हमने मेल रखे हैं। आगे मैं आपको भी मजीद तफसील बताऊंगा। नाज़रीन मैं वॉशरूम में हूँ, आपको ये थोड़ी सी सहूलत इसके बारे में क्या करूँ, ये जो है ना फैन लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरह जितना फोर स्टार जो बाथरूम होते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है कि ऐसा तरीके के साथ तैयार कर दूँ। इसके साथ शावर, इसके साथ आप ये शावर का जो है वो मियार भी आप देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैंने कोशिश की है कि इस हॉस्टल में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलतें दे सकूं, ये तभी आपको पता चल सकता है, या तो आप ये पूरी वीडियो देखेंगे या आ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है, पूरी वीडियो देखिएगा। गोल्डन रॉयल बाकू हॉस्टल, जी हाँ, ये प्राइवेट रूम है, इसमें तकरीबन हमने दो बेड लगाए हैं और काफ़ी चौड़ाई रखी है बेड की। ये नॉर्मल जो हॉस्टल में बेड सिंगल बेड होते हैं उससे ये थोड़ा चौड़ा है, लंबा है। इसके अलावा ये सोफ़ा आप देख रहे हैं, मैं आपको ये अभी बताता हूँ, ये सोफ़ा है, ये भी बेड बन जाता है। अगर इस रूम में तीन बंदे रहना चाहती हैं या फैमिली रहना चाहती है तो वो आराम से यहाँ। इसके अलावा हमने ये लॉकर रखे हैं, मैं कोशिश तो यही करूंगा ये पूरा रूम ही है कि पार्टी को दिया करूंगा, क्योंकि तो एक एक करके वो आगे ऑलरेडी हमारे पास नीचे तीन रूम मौजूद है, तो मैं इस रूम को हमेशा जो है ना वो एक ही पार्टी को देना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो एक खास किस्म की चीज़ आखिर में आपके लिए रखी है।
गोल्डन रॉयल बाकू हॉस्टल की जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये है, स्टूडियो अपार्टमेंट। जी हाँ, ये दोस्तों एक खास किस्म की जरूरत महसूस की गई, जो पाकिस्तानी फैमिलीज आती हैं जिनके साथ एक दो बच्चे होते हैं, दूध गर्म करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा सा खाना बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही डोर के अंदर बाथरूम, टॉयलेट, इसके अलावा जो किचन और इसके साथ या बेडरूम देख रहे हैं। इसमें हमने क्या क्या सौदे दिए उस बारे में आपको आगाह करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने फ्रिज लगा दिया, इसके अलावा इलेक्ट्रिक चूल्हा लगा दिए, इसके अलावा सिंक लगा दिए, बर्तन रख दिए, और आपको मैं ये बता दूं इसमें तमाम सौदे हमने रख दिए। इसके अलावा ये देख रहे हैं टीवी है, इंटरनेट हाई स्पीड है, और इसके अलावा सेंट्रल हीटिंग के लिए हमने ये रख दिए, इसको जलाकर पूरे रूम में हीटिंग हो सकती है। आप देख रहे हैं बेड किंग साइज बेड है। इसके अलावा अगर कोई यहां पर एक्स्ट्रा बेड चाहता है, मैट्रेस चाहता है, तो उसके भी वो उधर जगह मौजूद है। हम यहाँ भी ये सोफे उठाकर जो है ना ये आप कर सकते हैं। आपको ये बता दूं ये सोफे पड़े हुए हैं, दो सोफे हैं, अगर जरूरत महसूस होती है तो हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ सिंगल बेड भी आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं एयर कंडीशन, हमने पूरा इस पूरा यूनिट के लिए एयर कंडीशन भी लगा दिया, क्योंकि गर्मी के टाइम, क्योंकि ये ऊपर जगह है तो दोस्तों को जो है ना वो सहूलत हो, जो भी फैमिली आए वो अपना सारा जो सिस्टम जो है ना वो कर सके। मैंने खास चीज की है, ये मैंने क्या किया है कि बाथरूम को बिल्कुल अलग भी रखा है इससे, और ये पूरा अपार्टमेंट मैंने बना दिया। बाथरूम इसलिए अलग रखा है कि कई दफा बच्चे या इस तरह कुछ सिस्टम की स्मेल आती है तो वो जो है ना वो अंदर ना आ सके, अपार्टमेंट के अंदर ना आ सके, कमरे के अंदर ना आ सके। इसलिए आप देख रहे हैं इस वॉशरूम को, टॉयलेट को मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है, ताकि यहाँ पर अगर बच्चों के साथ बच्चों को नहलाना है, और इसके अलावा अगर बच्चों के यहाँ पर कपड़े चेंज कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर करना है, उसकी सारी सहूलतें हमने यहाँ पर दी है। खास करके एक खास शीशा लगाया गया ताकि अगर मेकअप करना चाहे तो, बल्कि मेकअप तो बहुत जरूरी चीज है, उसके लिए हमने बिलखसूस यहाँ पर जो ना वो शीशा लगाया और लाइट ऐसी लगाई है कि चकाचौंध हो जाए। तो दोस्तों ये वो हमारा खास किस्म का आपके लिए तोहफा है, जो यहाँ फैमिली के साथ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं चंद दिन, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप फोन कर सकते हैं मुझे, फोन नंबर हर चीज इस पे मौजूद है, और आपको इंशाल्लाह कम रेट पर हम आपको बुकिंग देंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, खास किस्म की प्रॉब्लम आती है बहुत सारे हॉस्टलों में कि तीन रूम होते हैं, चार रूम होते हैं, 20 बंदे रह रहे हैं, 25 रह रहे हैं, लेकिन बाथरूम टॉयलेट बहुत कम होते हैं, एक होता है और बहुत कम जगह पे दो होते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे ये रिकॉर्ड तोड़ा है, कमरे नहीं बनाए हमने, बाथरूम और टॉयलेट बनाया। आए मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, नीचे
सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमने एक टॉयलेट और ये सारा कुछ बेसन वगैरह लगाया, ऊपर हमने दो लगाए और ये सेकंड फ्लोर पर हमने तीन ये बेसन लगे हुए हैं। फैमिली अपार्टमेंट के अलावा तीन ये बेसन लगे हुए हैं, इसके साथ ड्राई लगी हुई है। हर जगह पे आपको यहाँ पर मिलेगा शैम्पू, मिलेगा हाथ धोने के लिए। इसके अलावा ये भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, अगर हाथ आपने ड्राई करने हैं तो। इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं यहां पर, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये राइट साइड पर तीन वॉशरूम है। जी हाँ, आप यहां पर नहा सकते हैं। और इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पर तीन टॉयलेट है। यदि कहने का मकसद यह है कि एक जगह पर हमने तकरीबन अराउंड अबाउट 7 टॉयलेट और 7 ही वॉशरूम बनाए हैं पूरे होटल में, पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग में। हमने ये कोशिश की है कि कोई भी हमारा क्लाइंट जो है वो किसी किस्म की परेशानी में मुबतला ना हो, अपना टाइम सेव करे, नहाए धोए और बाकी में चला जाए, टूर करे, इंजॉय करे, यहाँ रिहाइश रखे, जो भी है वो अपने काम से, अपने टूर से लेट ना हो। इस वजह से हमने बहुत ज्यादा इस पर पैसा भी लगा दिया है और जगह भी खराब की है, लेकिन ये की किसके लिए? आपके लिए की है, आपको सहूलत हो। इसलिए गोल्डन रॉयल बाकू हॉस्टल में जरूर आए।